हाँ हंसराज, हुकुम करो। कैसे हो आप? कैसे चल रही है अमेरिका की लाइफ आपकी? मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरा पैसे नहीं है। अब मुझे पता, ऐसा तुम क्यों भी ठीक नहीं होगे। यार? बस हमारे हाल तो आपको पता है जी। बाय द वे, आपकी कैसी लाइफ चल रही है एज ए इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ यार, इन्फ्लुएंसर थोड़ी हूँ मैं। मुझे तो बस जो समझ में आता है, जो फील करता हूँ मैं, जो मुझे लगता है मैं लोगों को बताना चाहिए, तो इसलिए मैं आके कैमरा के आगे बस बातचीत करता हूँ, लोगों को समझा देता हूँ, यही करता हूँ। ऐसे जी इन्फ्लुएंसर जी हो, ठीक है, इन्फ्लुएंसर हो। तुम बताओ क्या कर रहे हो, वेब डेवलपिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, कौन से टेक में? जी तुम बिल्कुल सही फील्ड में हो, टेक में। जी बाय द वे, मैं अपना इंट्रोडक्शन अगर तुमको करा दूँ एक सिंपल लाइन में, एज आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर विद 3.5 ईयर एक्सपीरियंस एंड आई एम आल्सो वर्क विद मेनी प्रोजेक्ट्स एंड टीम लाइक एनएफटीज, ई-कॉमर्स वेबसाइट, शॉपिफाई, वर्डप्रेस एंड आल्सो रिसेंटली आई वर्क एज अ फ्लटर डेवलपर। एज यू नो फ्लटर इज अ मोर टू डिमांड लैंग्वेज द वर्ल्ड। ये इंटरव्यू तो नहीं है, बट ठीक है, अब तुमने इंटरव्यू दे दिया। सही आई एम टेलिंग यू इन अ सिंपल लाइन व्हाट आई एम। है। एनएफटी, एनएफटी में क्या किया? एनएफटी क्यों नहीं है? यस आई एम क्रिएट, यू नो इन द एनएफटी वेबसाइट पीपल आर क्रिएट अ प्रोडक्ट, एनएफटी आल्सो लाइक वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेबसाइट वी आर क्रिएटिंग इमेजिंग एंड आल्सो एनिमेटेड एनएफटी इमेजेस उर्दू एंड बात आल्सो हो, क्रिएट। हमारी जो आवाम है ना, उनको आसान भाषा में समझाओ, सिंपल वर्ड्स में। अभी हमारी वीडियोस कौन देखेंगे? हमारी वीडियोस गोरी तो नहीं देखेंगे, अंग्रेज नहीं देखेंगे हमारी जी वीडियो। कौन पाकिस्तान इंडियन आवाम देखेगी, मलेशिया जी बांग्लादेश के? तो उन्हें आसान भाषा में सिंपल वर्ड्स में समझाओगे ना, जितना उतना उनको हाँ जी, इजीली समझ में आएगा। अगर मैं इजी भाषा में आपको नहीं, समझाऊं एनएफटी में मैं क्या। अब तो समझ गया, अब तो समझ गया, कोई मसला नहीं, आगे के लिए बोल रहा हूँ। जी जी तो मुझे बताओ मुझे कैसे याद किया, स्पेशली मुझे बताओ क्या को किस चीज के तुमने कहा कि बस पवन कोटक से बात करनी है, रीजन क्या था बता। बाय दी वे, ये कोई जी नया नहीं है, मेरा दोस्त है, पुराने वक्त में हम ट्यूशन में साथ होते थे, कुछ पिछले वक्त में, है ना, चाइल्डहुड जी 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 चाइल्डहुड फ्रेंड फ्रेंड। तो बताओ क्या, कौन सी जरूरत है मेरी, हुक्म करो। जी। तेरा मेरा मोस्टली आपसे कांटेक्ट करने का मकसद ये था क्योंकि मैंने जब आपको देखा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपकी रील्स, जो आपकी मोटिवेशन जो स्पीकिंग थी, मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ और मैंने कहा मैं आपको एक वीडियो चैट पे बात करता हूँ ताकि मुझे भी कुछ आइडियाज मिले एक ब्रांडिंग लॉन्चिंग का, अमेजोन लॉन्चिंग का, जैसे आपने वीडियो में बताया ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन FBA एंड ऑल्सो टेल अबाउट द मेनी ब्रांड्स हाउ टू सेल यूर एनी थिंग्स, मेनी ऑफ थिंग यू आर टेलिंग इन योर वीडियोज, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूँ। मैं तो नहीं थी आप मुझे रिप्लाई देंगे लेकिन पता है क्या है, देखो मैं ना चाहता तो ना रिप्लाई देता, ठीक है, क्या होता, ठीक जी है। पर मसला था क्या है, तुम आए मेरे पास हेल्प मांगने के लिए। अगर मैं तुम्हारी, अगर मेरी हेल्प कुछ करने से, मेरे कुछ बोलने से, तुम अगर कोई चीज़ सेल करते हो, तुम अगर प्रॉफिट करते हो, तो मुझे खुशी होगी ना, मुझे मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है। मुझे तुमसे जी पैसे नहीं जाए, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दूँ, डाउन टू अर्थ रहूँ। ईगो को, ये ईगो एटीट्यूड ये सब फजूल है। अब जाहिर बात है, 100 लोग मैसेज करेंगे तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो कोशिश जी होती है कि मैं रिप्लाई करूं उन लोगों की जितनी है हो सके हेल्प करूं। तुम्हें पता कि तुम्हें क्या करना है, मतलब तुम क्या चाहते हो? क्योंकि अच्छा, तुम वेब डेवलपिंग हो तो मुझे बता दे, मैं मेरी खुद की ब्रांड्स की वेबसाइट बन रही है तो उसका प्रोजेक्ट मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे पहले पता होता ना तुम्हारा। बाय द वे, हमने बहुत सारे ऐसे ब्रांड के साथ काम किया है। रिसेंटली हम एक, मतलब दुबई का एक ब्रांड है, वो अपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट खोलना चाहते हैं हम, तो उसपे हम काम कर रहे हैं और उस वेबसाइट में मोस्टली हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जैसे रिएक्ट.js। रिएक्ट.js एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम बिना किसी रीलोड के, मतलब कोई चीज देख सकते हैं, किसी दूसरे अंदर द पेज पे जा सकते हैं। और रिसेंटली हम ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो अभी स्लाइड शीट में आपको दिखा भी सकता हूँ पूरा वो ब्रांड। नहीं, तुम्हारी तुम्हारी बात पे भरोसा है, सही है, दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, फ्रीलांस से पैसे कमाता हूँ, अच्छा खासा मेरा काम चला, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं। अब तुम बताओ मुझसे क्या चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो? लाइक तुम अपना अमेजोन स्टोर खोलना चाहते हो, तुम भी सेल करना चाहते हो, या तुम्हें डर लगता है कि अगर मैं पैसे डालूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, क्या मतलब? मुझे थोड़ा थोड़ा खुल के बताना, ऑनेस्ट होके। देखो लोगों की फिक्र नहीं करो, टेल व्हाट यू फील, सही है। लोगों का काम है जज करना, तुम्हें जो फील है, तुम जो करना चाहते हो, ऑनेस्ट होकर खुल के बताओ। और हाँ, ये एक बहुत ही होनहार वेब डेवलपर है, अगर किसी को किसी कोई प्रोजेक्ट करवाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, कोई AI बॉट बनवाना है, ये चैट GPT इन्होंने बनाया है, तुमने बनाया है ना चैट GPT?
नहीं, बनाया तो नहीं है, लेकिन चैट हाँ फायदा हम बहुत उठाते हैं रिसेंटली, आई मीन ऑनेस्टली मजाक हम बहुत सारा फायदा उठाते हैं यही का। कर रहा हूँ, पर बना ये भी सकते हैं, अगर आप कहोगे हम आपके लिए बना भी लेंगे ये चैट बोर्ड आपके लिए बना व्हाट्सएप। दोगे देख जी सर, आप हुक्म करें बस। रहे हो, चैट जीपीटी बॉट कुछ भी चाहिए आपको ये बना के दे देंगे। अच्छा मुझे बताओ तुम क्या मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। रिसेंटली आपको आपको पता है कि पाकिस्तान में अमेजोन का कितना मतलब ग्रोथ मार्केट बढ़ रहा है। तो आप देखो भी यूट्यूब पे छोटा छोटा बच्चा $1,000 $2,000 मंथली अर्न कर रहा है। तो एज अ वेब डेवलपर मैंने भी सोचा यार, मैं जो पैसे अर्न कर रहा हूँ क्यों ना मैं किसी एक सेफ जगह पे इन्वेस्ट करूँ, जिससे मेरी पार्ट टाइम इनकम एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाए। तो मैंने सोचा कि जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मेरे एक मतलब और एक भरोसा आ गया भाई, ये मेरा रिलेटिव, ये तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये भी कर रहा है भाई, क्यों ना इससे बात की जाए। और इसकी वीडियो देखी तो मुझे लगता है इसको बहुत सारी नॉलेज भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा। तो इस पर्पज के लिए मैंने आपको एंड किया, मैंने सोचा कि, और जब मैंने आपकी एक स्टोरी देखी सनी अली से, जो कि एक्सट्रीम ई कॉमर्स का सीईओ है और ही वाज वन ऑफ द बिग पर्सनालिटी ऑफ द पाकिस्तान, आल्सो टेलिंग मेनी स्टूडेंट हाउ टू अर्न विद अमेज़न, नो डाउट। दैट्स व्हाई आई सेंड यू मैसेज एंड रियली थैंकफुल यू इफ यू हैव गिवन मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट अमेज़न एमेज़न एफबीए एंड ड्रॉप शिपिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस ब्रांड हाउ टू क्रिएट इन आवर लाइफ। देखो देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये कि तुम्हें ना सबसे पहले अपने माइंड में ना एक चीज बताना, तुम्हें पहले पहले तो अपने मेंटली, अब मैं जो बोलूंगा गौर से सुनना क्योंकि मैं एक ही बार बोलूंगा सही, रिपीट नहीं करूंगा सही है। देखो पहली बात ये कि तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि लोगों को देखे तुम्हें नहीं करना सही है, कि यार लोग कर रहे हैं सब कर रहे हैं मैं भी करूं सही है, और ना कि भाई सब बहती गंगा में मैं भी डुबकी लगाऊं, नहीं तुम्हें इफ़ यू फील लाइक सही है, अगर तुम्हें फील लगता है कि यार नहीं मुझे करना चाहिए वो अच्छा प्लेटफॉर्म है मैं भी बेच सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरी खुद की गट फीलिंग थी सही है, मुझे खुद को था मुझे करना था इसलिए मैंने किया, नहीं तो लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी फ्लिप करें चीज़ें गाड़ियाँ लेकर उसको बनवा के फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेच रही है, करने के लिए तो हजारों चीज़ें सही है, अगर हम करने के लिए आए सही है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट सही है। सेकंड थिंग इज अगर तुम चाहते हो कि अमेजोन करना सो देखो इजी है कर लो, तुम्हारे पास देखो मैं अभी कुछ भी बोलूंगा तुम्हें तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है सही है। अब सपोज करो तुम्हारे पास पैसा अच्छा खासा है सही, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो तुम चाहते हो कि नहीं मैं अपना ब्रांड चाहता हूँ, तो तुम अपना ब्रांड खोल सकते हो सही, अपना ब्रांड अपना कोई भी ब्रांड खोल के, मैंने सिखाया है कि अगर तुम्हें अपना कोई ब्रांड खोलना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी सही है, अमेरिका में सब पाकिस्तान बैठ के तुम्हें अमेरिका में अपना ब्रांड खोलना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी तुम्हें बताया सही है, उसमें कि उसमें LLC, अच्छा तुम्हारी LLC अभी नहीं हो गया ना, कंपनी नहीं खुली ना अमेरिका में, मैं तो जीरो, मेरा नॉलेज जीरो है, मैंने अभी कोई स्टार्टअप नहीं किया। नॉलेज जीरो है और तुम्हें हीरो बनना है, कोई मसला जी नहीं हीरो बनना सही है। देखो हीरो तुम अपने आप को खुद ही बनाओगे सही है, मैं तुम्हें हीरो नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता, इवन तो तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हें हीरो नहीं बना सके, तुम्हें खुद को बनाना पड़ेगा पहली चीज़ तो ये सही है। दूसरी अब तुम्हें करना है अमेजोन सही है, तुम्हें उस प्लेटफॉर्म पे बेचना सही है, तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले इंफॉर्मेशन लो, नॉलेज लो, नॉलेज लोगे तभी तभी तुम्हें कुछ समझ में चीज़ें आएंगी, अदरवाइज मैं अभी कुछ भी बोलूंगा, अभी मैं कुछ भी बोल के जाऊंगा तुम्हारी सर से ऊपर चीज़ें चली जाएंगी, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी फेक हरकत करूँ या मैं तुम्हें मिसगाइड करूँ सही है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या सही है, पहले देखो कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, मेरे जेब में कितना पैसा है ठीक है, टाइम कितना है मेरे पास, सारी चीज़ें देखो, फिर तुम देखो कि मेरे लिए कौन सा मॉडल अच्छा सही है, पहले तुमने ये सारी चीज़ें देख ली, पहले तुम ये देखो कि मैं खड़ा कहाँ पर हूँ ठीक है, हो सकता है कि भाई तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है ठीक है, तुम अभी फ्रीलांस में बहुत पैसा बना के बैठे हो, तो तुम ब्रांड खोल लो अपना प्राइवेट लेबल सही है, तीन चार ब्रांड बना के खोल दो सही है, तुम्हें लगता है नहीं मेरे पास इन्वेस्टमेंट शॉर्ट है मैं ड्रॉप शिप करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे ड्रॉप शिप में अगर मेरा माल बिकेगा तो मैं इसको स्केल करूंगा और मैं इसको FBA करूंगा और मैं और बाकी चीज़ों में फिर घुसूंगा, तो पहले देखो तुम खड़े कहाँ हो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हें अमेजोन पे कभी सोचा है, कभी कुछ माइंड में आया कि बेचना क्या है क्या नहीं बेचना, कुछ सोचा है कभी? मेरे पास, मैंने जब YouTube पे रिसर्च की, क्योंकि ऑलरेडी जब एनेबलर्स का आपने नाम सुना होगा पाकिस्तान में, साको बाजार, तो जब मैं उनकी वेबसाइट पे गया तो उनके कुछ फ्री कोर्सेज हैं, तो वहां पर मैंने एज अ नॉलेज ली प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करते हैं, या आप कहीं पर अलीबाबा पे या कोई ऐसी जैसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है USA और UK में, आप वहां पर किसी मतलब चीप प्रोडक्ट लेके आप अमेजोन पे बेच सकते हो, ऐसे नॉलेज वाइज के लिए मैंने वहां पर कुछ देखा था। और अगर बात करूं मैं प्रोडक्ट मुझे कौन सी सेल करनी है, पहली बात तो ये जो मैंने सीखा है कि ऐसी कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कोई ऐसी भारी चीज सेल ही नहीं करनी जिससे आप
सेल मतलब टूट जाए। यही मेरी नेक्स्ट वीडियो का मोटिव था। मैं लोगों को बताना चाहता था कि तुम्हारा पैसा उसी में बनेगा जो चीज साइज में और वॉल्यूम में कम हो। सही है, हो सकता है तुम्हारी कोई चीज होगी जो वेट में नहीं, वेट में और वॉल्यूम, ये दो चीजों में ध्यान रखना। सही है, तुम्हारा पैसा उसमें बनेगा जो वॉल्यूम में कम हो और वेट में कम हो लेकिन पैसों में बड़ी हो, वैल्यू में बड़ी हो। जैसे जी ज्वेलरी हो गया, सही है, ज्वेलरी में लोग $50, $60, $80 की ज्वेलरी बेच रहे होते हैं। सही है, लेकिन वो यस चाइना में बनती चीप में। ठीक है, इसमें तुम अपना यस प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हो क्योंकि तुम्हें शिपिंग कॉस्ट इतनी नहीं आएगी। ठीक है, अब सपोज यस करो तुम कोई ऐसी चीज भेजते हो, कोई बड़ा कोई टेडी बियर भेज देते हो। सही है, अब वो भले वेट में कम हो, उसमें रुई हो, लेकिन वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा खा रहा है। सही है, तब भी तुम्हारी शिपिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो पैसा तुम्हारा उसी में बनेगा और अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस तुम्हारा उसी में होगा जो वैल्यू में ज्यादा हो, जो चीज पैसों में ज्यादा हो लेकिन साइज में और वेट में कम हो। जैसे कॉस्मेटिक हो गया, जैसे स्टिकी पैड्स होते हैं वो, उसको तुम अगर सेट में बना के बेचो, 10 सेट्स, 20 सेट्स, तब तुम पैसा बाय बना द सकते वे हो। आई इंटरप्ट यू सॉरी यू बताओ, नो इन अमेरिका साइड देयर आर मोस्टली ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल देयर आर मोस्ट लाइकली डायमंड रिंग्स डायमंड वॉच डायमंड डायमंड चेन्स यू नो आई सी इन द अमेरिका साइड एंड यूके साइड पीपल आर मोस्टली लाइक दिस टाइप ऑफ ज्वेलरीज नॉट ऑल पीपल आर लाइकली बाय टू ओरिजिनल डायमंड्स ओरिजिनल ओरिजिनल थीज यू नो आई नो यू अंडरस्टैंड आगे जो आगे हर हर कोई पीपल नहीं बाय करता ओरिजिनल समझ डायमंड गया, मैं समझ कुछ गया। लोग आगे आगे वाइंड अप करो फिर। हाँ तो हर कोई बाय नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही चीज चाइना से प्रोडक्ट लेके या अलीबाबा से लेके जब देखो मैंने शार्क टैंक देखा था ना जब मैंने शार्क टैंक देखा था तो मेरी उम्र के दो तो बच्चे आए थे तो वहां पर वो यही चीज सेल कर रहे थे इंडिया से मना के ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर अमेरिका में। तो इस प्रोडक्ट का मुझे ख्याल आया था क्योंकि ना मैं भी ऐसे ही सेल करूँ अमेजोन पे शॉपिफाई पे। देखो, मेरी बात गौर से सुनना। देखो अभी तुमने सोच रखी, ये सोच बहुत ही अच्छी है, अप्रिशिएट है। अभी अगर तुम कोई गलत बात करते ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल सही करेक्ट करता, सीधा करता। सही है, तो तुमने, तुम्हारी सोच अच्छी है, तुमने, तुम्हारा नेक ख्याल है। तुमने कहा ये दो बच्चे थे जो शार्क टैंक में तुमने देखा, जो इंडिया के अंदर जो आइज क्यूबन जो चेन होती है, जो मोटी सी जी चेन जी होता है, जी मैं नाम वो नहीं पता लेकिन ये तो मैं थोड़ा जरूरी का काम करता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। सही है, तो तुमने सोचा कि भाई ये बच्चे तो बेच रहे हैं, अब मैं भी बेचूं, तो कर दो, अच्छी सोच है। तुमने सोचा वो वहाँ इंडिया में बेच रहे हैं, मैं अमेरिका में बेचूं व्हाइट और ब्लैक पीपल को। अब अमेरिका में बिक गया तो कनाडा बेच देना, यूके बेच देना, अमेजोन का स्टोर तो, अमेजोन का FBA तो हर जगह पर है। अगर तुम्हारा जी यूएस में माल बिकता है, कोशिश करो कि यूएसए से पहले, तुम पाकिस्तान में हो ना अभी, कोशिश करो कि यूएसए से पहले जो UAE है ना, जो दुबई का अमेजोन है, सोचो वहां पर पहले क्रैक करने की कोशिश करो। चाइना से बनवा के दुबई भेज दो, अगर वहां पर सेल्स आती है, वहां पर अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बिकता है, इन्वेंट्री बिकती है, तो फिर यूएसए आ जाना। देखो बिजनेस शुरुआत छोटे से करो, सही है, जरूरी नहीं है मैं शुरुआत तुम बड़ी से करो फिर तुम्हारा फेल हो जाए, फिर तुम नुकसान खाओ। मैं नहीं चाहता तुम कोई नुकसान वगैरह खाओ। सही है, अगर तुम मेरे पास आए हो तो आई वॉन्ट यू टू गाइड द बेस्ट, क्योंकि तुम्हें पता होगा अपने तुम्हारे लिए बेस्ट क्या। सही है, पर जितना मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ ना, जितनी इन्फॉर्मेशन तुमने अपनी दी है और जितना तुम्हें बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, उस हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं चेन वगैरह बेचूं तो चाइना से चेन बनवाओ। सही है, चाइना में अलीबाबा से, सॉरी अलीबाबा से तुम चेन्स बनवाओ। सही है, थोड़ी रिसर्च करो। सही है, कुछ घुसने से पहले रिसर्च लाजमी है। सही है, रिसर्च करो जी ऑफ कोर्स ऑफ कि कोर्स रिसर्च मतलब कि कौन से मटेरियल की चेन हो, कौन सी प्लेटिंग हो, कौन से स्टोन्स हो। ठीक है, डायमंड्स के स्टोन्स हो, नहीं अगर तुम्हें डायमंड नहीं लगवा रहे तो नकली लगाना, नकली भी कौन से, नकली में भी टाइप्स होती हैं, क्यूबिक जिरकोनिया हो गया, मुसेनाइट हो गया। सही है, इन ये सारी है ना, ये नाम मुझे पता है, तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहे हैं, पर ऑडियंस जो सुन रही है उसको, उस कुछ को पता होगा। ठीक है, गूगल भी करोगे तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ये थोड़ी बहुत आइडिया मुझे इसलिए कि मैं खुद ज्वेलरी का काम करता हूँ। ठीक है, तो तुम वहाँ से चाइना से अलीबाबा जाके हंटिंग करो, हर सप्लायर दूसरे सप्लायर से बात करो और मटेरियल का देखो, और फिर चाइना अपनी है ना। अच्छा एक बात दूसरी याद रखना, जब तुम है ना उनसे बनवा रहे हो ना, तो कोशिश करना कि एट फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो कम रखना। ऐसा नहीं कि तुम एक साथ में ही 1,000 यूनिट्स मंगवा लो। सही है, नहीं, तुम्हारा नया धंधा है, नया शुरुआत है, तो दुबई में पहले पहले तो अपना अकाउंट बनवा। सही है, पहले अपना सेलर सेंटर अकाउंट बनाओ दुबई में। सही है, उसके बाद जब अकाउंट बन जाए फिर वहां पर लिस्टिंग करना अपनी चेन्स की, चेन्स की अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवा के, कॉन्टेंट राइटिंग ChatGPT में पढ़ा है, उस ChatGPT से कॉन्टेंट बनवा के उसको पैराफ्रेज या रीफ्रेज करना लाजमी करना। सही है, नहीं तो अमेजोन ChatGPT का जो कॉन्टेंट होगा वो कर देगा, क्या नाम है, नहीं मेरे पास ऐसे और भी सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप सारा अपना कंटेंट चेंज कर सकते हैं इसका मुझे एक्सपीरियंस है पूरा
हाँ बस ठीक है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है ना, तो बस उसको यूज़ करके कंटेंट को रिफ्रेश कर देना, नहीं तो वो डिटेक्ट कर देगा। सही है, उसका लिस्टिंग लगा दो। लिस्टिंग लगाने में अगर तुम्हें सेल्स आती है, तुम्हारी इन्वेंट्री बिकती है, जब तुम्हारे 20 यूनिट बिके तो 50 लगा देना, जब 50 बिके तो 100 लगा देना, जब 100 बिके तो 500 लगा देना, 500 बिके 1000 लगा देना। और अगर सपोज करो नहीं बिकती, फॉर सपोज वी टॉक अबाउट एवरी सिनेरियो, सही है, हम हर सिनेरियो में बात करते हैं। अगर तुम्हारी चेन्स बिकती हैं जो तुम कॉन्फिडेंट हो, तो अच्छी बात है ना, फिर तुम्हें पैसा आएगा। सही है ना, ठीक है, भले शुरू में थोड़ा नुकसान हुआ, पैसा आगे आगे बिजनेस में तुम्हारा पैसा आएगा, तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा, तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा, तुम और चेंज लगाओगे। पर फॉर सपोज लेट्स टॉक, मतलब वर्स को वर्स सिनेरियो लेके चलते हैं। सपोज तुमने चेन बना के लगा दी और नहीं चली चेन, तो कोई मसला नहीं है, कुछ और प्रोडक्ट लगा देना, कुछ और सोच रखना, सही है, या उस चेन में कोई कोई दूसरी चीज़ कर देना ना। मे बी 10 करो 10 में फेल के साथ एक प्रोडक्ट हिट जाएगा तुम्हारा, सही है, या मे बी तुम्हारा फर्स्ट भी, मे बी तुम्हारा पहला प्रोडक्ट ही हिट जाए, मे बी तुम्हारा 10th प्रोडक्ट हिट जाए, मे बी तुम्हारा 100 प्रोडक्ट हिट जाए, पर वो जो प्रोडक्ट एक हिट जाएगा ना, वो तुम्हें अमीर बना देगा। तो ठीक गेम बिल्कुल सिंपल है, तुम अलीबाबा जाके चेन्स वगैरह देखो, अभी सोचा है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, ज़्यादा टाइम मत लो, सही है, इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लो, इंटरनेट 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 पढ़ा है तुम्हारे पास, सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर हो, हर चीज़ तुम्हें पता है, रिसर्च करो, रिसर्च के बाद लग जाओ। बाय द वे, आप जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे तो आप ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म पे गए थे जहां पर आपको वाकई लगे यार अगर आप भी यहाँ पर जाओ तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ऐसे कोई चैनल्स या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स? यार ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सही है, और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला था आगे, सही है, सच्ची बताऊँ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ठीक है, और अगर कोई है तो वो पैसे बहुत चार्ज करते हैं, ठीक है ना, $400 $500 मैं किसी कोर्स के लिए दूँ, मैं चूतिया नहीं हूँ, सही है, उससे अच्छा वही $500 मैं अपने बिजनेस में नहीं लगा दूँ, मैं $500 किसी और को क्यों दूँ, मुझ में खुद में दिमाग है, खुदा ने मुझे दिमाग दिया, खुदा ने तुम्हें दिमाग दिया, जो बंदा कोर्स बेच रहा है उसे भी दिमाग था ना, उसने उसने क्या किया, उसने कोई वो कोई कोई ऐसा कोई न्यूक्लियर एटम बम का कोई फॉर्मूला थोड़ी बता रहा है, वो सिंपल वही जो हर जो इंटरनेट पे पढ़ी है हर चीज़ है, बस उसको थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ी वीडियोस बनाए, थोड़ी चाट मसाला मिक्स करके उसने रिकॉर्ड वीडियोस लगा दी, अब उसके लिए हम कोर्सेज के पैसे दें, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इसलिए मुझे ऐसी, जब मैं शुरू शुरू में घुसा था तो मुझे ऐसी कोई सही गाइडेंस ना मिली थी ना क्या, हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, और कहीं से सीखने के लिए भी नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने कहा सब जाएं भाड़ में, मैंने लैपटॉप उठाया, हर चीज़ में खुद ही घुसा, नुकसान खाया, प्रॉफिट खाया, सही है, ऐसी बात नहीं है कि मैं प्रॉफिट में प्रॉफिट के बाद आया हूँ, मैंने जब शुरुआत की मैंने नुकसान ही खाया, नुकसान के बाद मैं सीखा, पर मैं नहीं चाहता, अब देखो एक बंदे ने नुकसान खाया ना, अब ज़रूरी है हर कोई नुकसान खाया, अब ज़रूरी है तुम ही नुकसान खा के सीखो, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम नुकसान खाओ, इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्री में समझा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि जैसे बाकी लोग हर चीज़ के लिए लालची ग्रीडी हो चुके हैं, तो मैं भी ऐसे ही पैसे लूँ, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म सच्ची बताऊँ, हर कोई अपने इसको ना अमेजोन को धंधा बना के बैठा, एनेबलर्स को भी फ्री में एक दो कोर्स देंगे, सही है, शुरू में जो फ्री की वीडियोस होंगी वो अच्छी होंगी वीडियोस, उसके बाद वो तुम्हें बोलेंगे भाई हमारे कोर्स लो, कोर्स लेने के बाद फिर तुम्हें पता है तुम उनके होना स्टूडेंट बन जाओगे, बस ये सीन है, तो नहीं, इसके बाय द लिए वे जब आप किसी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ तो प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, बाय द वे अगर आप मेरी जगह होते तो आपको कौन सा ऐसा प्रोडक्ट अच्छा लगता तो आप लॉन्च करते, यार ये मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता तो वाकई मेरी इनकम आएगी इसमें, आप ऐसा आप देखो एफबीए कर रहे हो तो आपको नॉलेज होगी? देखो, अब तुम मुझसे डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ रहे हो, नहीं, बाय द वे मैं प्रोडक्ट तुम्हें एग्जांपल कोई नहीं पूछ रहा बताएगा, हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, अगर तुम अभी सपोज करो चेन बेच रहे हो अपनी, सही है, सपोज करो, सही है, या तुम कुछ और बेच रहे हो फॉर सपोज, सही है, उससे तुम्हें प्रॉफिट आ रहा है, सही है, तो तुम दुनिया को थोड़ी बताओगे मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर लोगों को तुम अपना प्रोडक्ट बता दोगे तो वो सेम प्रोडक्ट लगा देंगे तुम्हारे कॉम्पिटिशन में, कोई कोई वो एक फ्लॉ देखेंगे तुम्हारे प्रोडक्ट में, हर 100% तुम कितनी भी प्रिपरेशन करो ना तुम्हारी लिस्टिंग 100% अच्छी नहीं होगी, ठीक है, वो कोई ना कोई एक कोई वो चीज़ देखेंगे फ्लॉ, मतलब वो कोई कोई देखेंगे कोई नुकसान, ठीक है, कोई कोई डाउनफॉल देखेंगे, वो उस चीज़ को सही करके और अपनी लिस्टिंग बना देंगे, तो मतलब तुम्हारा कॉम्पिटिशन में आ जाएगा ना बिजनेस में, तो प्रोडक्ट तो कोई नहीं बताता, पर अगर मैं तुम्हें एक शीट दे देता हूँ जिसमें मतलब लिखा हुआ है कैटेगरीज कि कौन से प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, जैसे माउस हो गया, ठीक है, माउस जो हम कीबोर्ड के लिए यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर के लिए, वो हो गया, खाने के आइटम, खाने के आइटम बेस्ट है, पूछो कैसे, चिप्स लगाई तुमने, अब सपोज करो तुमने कोई चिप्स लगा दी, कोई अच्छी सी टेस्टी चिप्स लगा दी, सही है, कोई स्पाइसी चिप्स लगा दी, सही है, और लोगों को तुम्हारी चिप्स बहुत पसंद है, अब मार्केट में तुम आए हो, तुमने अपनी नई चिप्स लगाई हुई है और वो चिप्स किसी कस्टमर ने तुम्हारी चिप्स ली, सही है,
सपोज करो तुमने 30 गिव अवेज किए चिप्स के, सही है, तुम्हारी नई लिस्टिंग है, तुमने नई चिप्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, नई चिप्स कौन खरीदेगा, तुमने 30 गिव अवे किए, सही है। अब तुम्हारी चिप्स में दम है, तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है, तुम्हारी ब्रांडिंग में दम है, अब वो जो 30 कस्टमर्स जो तुम्हारी चिप्स खाएंगे ना, उन्हें टेस्ट अच्छा लगा, उन्हें मज़ा आया खा के, सही है, वो अब फिर से चिप्स उन्हें फिर से चाहिए, अब वो कहाँ जाएंगे, वो चिप्स वो सिर्फ तुम्हारे स्टोर पे है, सिर्फ तुम्हारे पास है, वे विल कम अगेन टू यू एंड नाउ दे आर गोना बाय फ्रॉम यू। पहले तुमने फ्री में दी, अब वो तुमसे बाय करेंगे, और वो तो बाय करेंगे ही, साथ में वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बोलेंगे ये चिप्स ट्राई करो, आई वुड रिकमेंड दिस, ये बहुत ही टेस्ट में अच्छी है, अमेजिंग चिप्स है, तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो, तो वो चिप्स बार 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 तुमसे खरीदेगा, और ऐसे तुम्हारा तुम्हारा प्रॉफिट जनरेट होगा, और तुम्हारा एक कस्टम तुम्हारे रिपीट रिपीटेड ऑर्डर्स बहुत होंगे, और तुम्हारे कस्टमर बन जाएंगे। तो ऐसे ऑर्डर्स ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लगाओ जो जिसमें ना रिपीटेशन बहुत हो, मतलब कस्टमर्स को बार बार चाहिए, समझ रहे हो। अब चिप्स के लिए तो वो तुम्हें रेसिपी चाहिए होगी, तो वो तो एक बड़ी गेम है, पर जैसे टॉयलेट पेपर हो गया, टॉयलेट पेपर हो गया, टॉयलेट मेरा पेपर मेन फोकस तो ज्वेलरी पे था, क्योंकि मैं सोच रहा था अमेरिका में एक ज्वेलरी का बड़ा कॉन्सेप्ट है और सेलिंग भी बहुत है, मतलब ज्वेलरी के, और बायर्स भी बहुत है ज्वेलरी के बाय द एक वे। बात और ये बता ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है कि लाइफ टाइम, क्योंकि एक मैंने वीडियो देखी थी कि आप ऐसा प्रोडक्ट यूज करो तो लाइफ टाइम चले, जो लाइफ टाइम जिसपे सेलिंग हो, लाइफ टाइम जैसे इसपे आया, आप समझ होंगे मुझसे ज्यादा, आपको पता होगा इस चीज के बारे में। देखो, तुम्हें लगता है चेन चेन का अच्छा खासा है, सही है, तो पहली बात तो गट पे नहीं जाओ, सही है, डेटा सर्च करो, सही है, रिसर्च करो कि ज्वेलरी का आगे गूगल ट्रेंड्स का पता ना, जी, गूगल ट्रेंड्स पे देखो ज्वेलरी कितनी चल रही है, कितनी सर्च हुई है, सही है, उसका देखो, फिर उसके बाद ये सारी जो होते हैं ना एस्पेक्ट्स, इन सबको सही तरीके से रिसर्च करो, नॉलेज नॉलेज गेन करो, ज्वेलरी को करने से पहले ज्वेलरी देखो कि वाकई इतनी बिकती है नहीं बिकती, सही है, ये सारे करने के बाद बस फिर जब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो सारी नॉलेज आ जाए, तो उसका अलीबाबा पर जाके सप्लायर से बस ऑर्डर दे देना, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर देना, पर उसके लिए अब डिपेंड करता है कि तुम कौन से यूएस में चाह रहे हो, तो अगर तुम यूएस में खोलना चाह रहे हो ना हंस, तो यूएस में तुम्हें LLC चाहिए होगी, कंपनी चाहिए होगी, अगर हम अमेजोन पे सेल करते हैं तब भी हमें चाहिए हुई LLC बाय उसके लिए द तो वे। चाहिए, उसके लिए चाहिए LLC, उसके लिए कंपनी चाहिए। अगर तुम ओके अमेरिका में सिटीजन होते ना, सपोज तुम्हारा पासपोर्ट है, तो तुम मतलब बिना LLC के एज ए इंडिविजुअल खोल सकते हो, पर अगर तुम एक फॉरेनर हो, तो तुम्हें एक कंपनी या एक एंटिटी होना लाजमी है, वो एंटिटी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, वो एंटिटी तुम्हें तकरीबन पड़ेगी $300, $320 पड़ेगी विद टैक्स एंड एवरीथिंग, उसमें बस इतने पैसे में तुम्हारी एक कंपनी खुल जाएगी, जिसमें तुम्हारा बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा, तो वो बैंक अकाउंट और उसके थ्रू अपना अमेजोन अकाउंट खोल देना यूएसए के अंदर, अगर तुम्हें यूएसए में अपनी चेन्स बेचनी है तो। जी, बाय द वे अगर हम बात करें पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे सेलर हैं जो LLC के एक सिस्टम और भी होता है, मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो बाय द वे बैंक अकाउंट का तो पेपाल भी कनेक्ट करा सकते हैं हम यहाँ से पाकिस्तान से। देखो LLC बगैर तुम अकाउंट खोल ही नहीं पाओगे, वो तुमसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तुमसे आप पूछेगा, तुम्हारा अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दो या EIN दो, EIN होता है कंपनी का, LLC का, तुम्हारे पास कंपनी नहीं है तो तुम्हारे पास ना EIN होगा ना SSN होगा ना तुम्हारे पास ITIN होगा, ITIN भी एक SSN का अल्टरनेट है, SSN एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जो हर बंदे को अपनी आइडेंटिटी होती है, सही है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, सही है, और EIN हर एक कंपनी का नंबर होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सही है, तो कंपनी तुम्हें लाजमी बनानी पड़ेगी अमेरिका के लिए, अमेजोन के यूएसए के लिए, बिना कंपनी के तुम खोल ही नहीं सकते, ये चाहे किसी भी यूट्यूब में देख लो, कुछ भी कर लो, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बाय द वे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ सारी चीजें। जब जाएंगे आपकी आपके अपने का जब घुस होगा एक चीज में, तब आपको सारे पर्दे खुल के आ जाएंगे आपके सामने। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखो एक पता क्या है? मैं तो बताऊं, अभी एक तुम देख रहे हो कि सब कर रहे हैं, सही है, जब सपोज करो तुम देख रहे हो कि 100 लोग हैं तैर रहे हैं, सही है, सपोज करो अमेजोन समुंदर है, 100 लोग तैर रहे हैं, 100 लोग, तुमने कहा भाई 100 लोग कमा रहे हैं, तुमने अभी कहा ना कि यार भाई मैंने देखा सब कमा रहे हैं, सब अमेजोन तो कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, तुमने कहा सब तैर रहे हैं, लेकिन ना जब तुम पानी में उतरोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा पानी कितना गहरा है क्या नहीं है, दूसरी चीजें पता चलेगा, तब तुम थोड़ा डूबोगे, फिर चढ़ोगे, फिर तुम तैरना सीख जाओगे, है कि नहीं, जी, तो बस ये है ना, इतना कुछ इतना टेंशन करने की बात नहीं है, अगर अगर तुमने सोच रखी है ना, तो हिम्मत करके उस पर इम्प्लीमेंट करो, और मालिक साथ होगा, तुम कर्म करो, फल देने वाला वो है, तो वो तुम्हें रिवॉर्ड देगा, वो रिवॉर्ड भी देगा, तुम्हें पैसे भी देगा, तुम्हें अमीर भी बनाएगा,
बस सोचा, देखो माइंड में एक बात आई, सोच आई, कर दो। यकीन मानो ऐसा ही, तुम्हें पता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बड़ी बातें नहीं करा, पर मैं तुम्हें सच्चाई की बात कर रहा हूँ, सही है। अब एक दो एम्प्लॉयर्स थे, सही है, वो एम्प्लॉयर्स है, दो एम्प्लॉयर्स है, इंडियन और वो अमेरिका के, यूएसए के, यूएसए के, यूएसए में अमेजोन पे एम्प्लॉयर थे, सही है। तो जॉब करते थे, वेज पे थे, सही है। अब वो जॉब कहाँ करते थे, वो यूएसए के अमेजोन में जॉब करते थे, सही है। सेल नहीं करते थे, वहाँ माल नहीं बेचते थे, वहाँ वेज वेज पे थे, सही है। घंटे के हिसाब से अपनी पे ले रहे थे, सही है। अब उन्होंने सारा अमेजोन का जो है ना, अमेजोन का FBA मॉडल, FBA मॉडल सारा समझा, वेयर हाउस पे देखा कि भाई ये अमेजोन FBA वर्क कैसे करता है, कैसे सामान आता है, कैसे सेल होता है, हमारे प्रोडक्ट्स को कोई तो स्कैन कर रहा है ना वहाँ जाकर, है ना, जब हम अपने जी जब जी हम किसी अमेजोन जी वेयर हाउस में भेज रहा है ना, तो जी उन्होंने ये सब चीज़ें देखी। अब उनमें ये सोच आई कि यार अमेजोन यहाँ पर है, अमेरिका में, इंडिया में क्यों नहीं है, समझ रहे हो। जी इंडिया में जाके फ्लिपकार्ट खोल दिया। अब फ्लिपकार्ट देख लो इंडिया में कैसा चल रहा है, बिलियनर है ना वो लोग। अब जैसे ये तुम सेकंड ई सोच, कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इंडिया का सबसे बड़ा। अब जैसे अब तुम्हारी सोच आई, सही है, कि वो दो लड़के बेच रहे हैं इंडिया इंडिया में चेन्स, तो मैं अपनी चेन्स क्यों ना यूएसए में बेचूं। तो ये सोच अच्छी सोच है, इस पे इम्प्लीमेंट करो, अल्लाह मालिक है, कामयाब हो गए। उसके अलावा तो और सर कोई, आप आपका साथ चाहिए तो कमेंट जरूर होंगे अगर आप ऐसी वीडियो छोड़ते रहोगे। कदर बस यार अब क्या करो, लोगों को कदर नहीं है, होगी टाइम होने पे। भले ना हो भाड़ में जाए, अगर 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 मुझे मैं क्या है मेरी हमारे बात पास। अगर अगर मैं आपको अगर आपकी ऑडियंस को लाइव एग्जांपल मैं तो कहता मैं भी आपको पहले याद कहाँ कर रहा था भाई। आपको देखा काम तो पड़ा ना आपसे। मैं भी काम के टाइम ही आया हूँ ना। मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अच्छी आपकी बात है, इसीलिए आओ बात कर रहा काम, हूँ। मुझे बस मैसेज करो ही काम के लिए, मुझसे पूछे नहीं हाँ हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक हो, हैप्पी बर्थडे, ये सब मुझे फजूल शिट मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे लोगों का अगर मैसेज आ रहा है तो सीधे काम, काम की बात हुई, काम की बात खत्म, बस गुड बाय, गुड बाय भी नहीं करना, बस ठीक है, उसके बाद नो जी मैसेज। यकीन मानो ऐसा ही होना चाहिए ना, फजूल की बात क्यों। हाँ और बताओ, बताओ और क्या चाहिए। चलो अब तुमने इतना मैंने चेन का समझा दिया, और क्या समझाऊं बताओ। मैंने, अच्छा मेरी वीडियोस देखोगे ना, तो मैंने अलीबाबा पे हंटिंग करना सिखाई है, सही है। अगर जी तुम्हें अपना चेन्स का ब्रांड खोलना है, तो मैंने ब्रांड अपना USPTO में रजिस्टर करवाना भी सिखाया है, सही है। जैसे ट्रेडमार्क होता है ना, ट्रेडमार्क, ताकि तुम्हारा नाम, जी तुम्हारे ब्रांड का नाम कोई चोरी ना करे। सपोज करो तुमने अपने ब्रांड का नाम सोचा है, क्या सोचा है अपने ब्रांड का नाम को, सोचा है कि चेन्स किस नाम से बेचोगे। बाय द वे अगर मैंने ब्रांड के लिए रिसर्च नहीं की जैसे कुछ AI टूल्स हैं जिससे हम अपने ब्रांड का लोगो और ब्रांड्स के नेम जनरेट कर सकते हैं। मोस्टली हम जो वेबसाइट पे जो हम लोगो वगैरह लोगों के ब्रांड के नेम मतलब आप देखोगे ना दुबई के साइड या पाकिस्तान के साइड हर काम डेवलपर को करना पड़ता है। मोस्टली लोगो भी इसको डिजाइन करता है उसका ब्रांड को भी वही डिजाइन करता है SEO भी वही करता है और वेबसाइट को डिजाइन भी वो करता है डेवलप भी वही करता है। तो एज एक्सपीरियंस जो कुछ AI वेबसाइट है जहाँ पर आप ब्रांड्स के बहुत सारे नाम जनरेट कर सकते हो लोगोस भी मोस्टली जनरेट कर सकते हो। और मेरा एक ही आपसे क्वेश्चन है कि अगर बंदा कोई अपना FBA ना करना चाहे USA पे रजिस्टर नहीं करना चाहे क्योंकि उसके पास ना बजट नहीं है क्योंकि हमारी इनकम डॉलर्स में नहीं है। 300 डॉलर आप कन्वर्ट करोगे पाकिस्तानी में एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है पाकिस्तानी सही में। है, हाँ आई एग्री, बाय द वे अगर आई किसी को बिना की ब्रांड मतलब ऐसे लॉन्च किए बगैर अगर वो कोई ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है क्या ड्रॉप शिपिंग के लिए भी कोई नीड होगी इसे। जी यार देखो, ड्रॉप शिपिंग, तुम्हारे दिमाग में ड्रॉप शिप क्या है, पहले मुझे ये बताओ। बाय द वे मुझे ड्रॉप शिपिंग नॉलेज भी है। जब आपकी वीडियो देखी थोड़ी उसमें भी नॉलेज मिली थी मेरे को। कोई भी प्रोडक्ट आप 10 रुपए में लेके किसी और प्लेटफॉर्म में 20 रुपए में बेच रहे हो जो भी आप जो 10 रुपए कमा रहे हो ना वो आपका प्रॉफिट है। और जो भी मतलब जो भी आप 10 रुपए लेके 20 रुपए भेज रहे हो आप वहां से 10 रुपए ले रहे हो वहां पर भेज रहे हो 20 रुपए मतलब आपकी रियल होने से आप क्या कर रहे हो एक सस्ते प्लेटफॉर्म में उठा के वही चीज आप बड़े प्लेटफॉर्म में भेज रहे हो। बस फर्क इतना है प्रोडक्ट वही है चीज वही है बस। एग्जैक्टली, देखो सपोज करो अभी कोई लोकल मार्केट है, सही है। अब लोकल मार्केट में तुमने कोई बॉडी स्प्रे देखा, इसकी खुशबू बेची है, बॉडी स्प्रे बेचा है, सही है। अब तुम दुकानदार को, एक सॉरी, सही है, अब तुम दुकानदार को बोलते हो कि भाई ये बॉडी स्प्रे बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू अच्छी है, सही है। अब तुम कह रहे हो मैं इतना बड़े लेवल पर नहीं कर सकता, मैं छोटे लेवल पर करना चाहता हूँ, सही है। तुमने दुकानदार को बोला कि भाई इसके मुझे 100 पीस चाहिए, अभी नहीं, अभी मैं तुमसे 10 उठा रहा हूँ, पर आगे जाके मुझे 100 चाहिए, मुझे मिल जाएंगे, वो बोलता है मिल जाएंगे। तुमने वो 10 यूनिट जो होंगे ना, सपोज तुमने एक यूनिट उठाया है उस पर बॉडी स्प्रे का, सही है, उसकी तुमने अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करवाई, सही, फोटो फोटो तुम अपने अच्छी कैमरा से, अगर आईफोन वगैरह है, अच्छे पीछे बैकग्राउंड रखे, तुमने मोबाइल से भी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो अगर चाहो तो, सही है। तुम तो वेब डेवलपर हो, तुम्हें तो सब पता होगा, सही है।
तुमने फोटोज वीडियोज खिंचवा के तुमने यूएसए के, चलो यूएसए में $300 तुमने, चलो दुबई में तुमने करवा दिया था अपना अमेजोन अकाउंट खोल दिया था, दुबई में तुम अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर देते हो ठीक है, और तुम FBM करते हो ठीक है, तुम अपनी अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर दो, अपना परफ्यूम अपना बॉडी स्प्रे वहाँ लगा दो ठीक है, तुम्हें जैसे ऑर्डर्स आए शिप करवा देना, सिंपल गेम है। तुम दरा पाकिस्तान में बैठे हो, अगर दराज में भेज सकते हो तुम। बाय द वे दराज का दराज को वैसे बहुत दराज पे मतलब एक है ना वो इतनी इनकम जनरेट नहीं हो सकती बाय द वे कंपेयर कैसे टू पता पता अमेज़न। कैसे पता, ये बाय द वे जो दराज का मतलब मैंने मेरी ना बात सुनो, देखा मेरी नहीं हुआ। बात, मेरी बात सुनो, तुम कह रहे हो इतनी इनकम नहीं जनरेट होती एज कम्पेयर टू अमेजोन, आई एग्री विथ यू, टोटली एग्री विथ यू ठीक है, पर दराज भी ऐसे लोग हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों की सेल्स ला रहे हैं ठीक है, और तुम क्या है क्या एग्री वेबसाइट कर दो, कमा रहे हैं लोग जी दराज सही वेबसाइट जी आएगा है, तो तुम चाह रहे हो कि मैं सीधा आईफल टावर चलूँ, पहले तुम पहली सीढ़ी तो चढ़ो, पहले तुम दराज जहाँ तुम बैठे हो जिस मुल्क में, तो दराज से कमा लो, वहां से कमाओ फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आओ, और चलो तुम्हारा मूड नहीं है दराज में तो चलो दुबई के अमेजोन में बेचो, वहां पर तुम्हारे वहां पर परफ्यूम्स बेचो, ये इसको ड्रॉप शिप कहते हैं कि भाई एक एक जगह से तुमने चीज उठाई और वो जगह कोई भी हो सकती है, वहां से उठा के दूसरी जगह तुमने डिलीवर कर दिया, जब तुम्हारे पास ऑर्डर आए उस बीच में तुम्हारा जो छोटा सा कट होगा वो प्रॉफिट होगा। नहीं, मैंने एक बार सोचा था बाय द वे मैंने जब एक दराज से टेबल बुलाई थी जो लैपटॉप की टेबल होती है मैंने मतलब 2400 की मंगाई थी तो जब मैंने देखी थी सेलिंग उसकी दराज पे तो मतलब एक अच्छी सेलिंग थी उस टेबल की और टेबल वो भी ये भी अच्छा मतलब लैपटॉप के लिहाज से स्टडी के लिहाज से जब आपने देखा होगा कि बेड पे लोग लैपटॉप ऐसे रख के उसके ऊपर लैपटॉप बैठे होते हैं एक टेबल होता है स्मॉल टेबल मैंने देखा जब मैंने सोचा तो जब मैंने वही चीज मैंने देखी थी तो अलीबाबा पे तो उसकी प्राइस मुझे पाकिस्तानी पड़ रही थी 1100 और वही बंदा अली बाबा पे वो 2500 2400 की भेज रहा है जो टेबल मैंने सेम टू सेम मंगाई। उससे तुमने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि भाई क्यों ना यार यही चीज अगर मैं अली बाबा से मंगवा था पहले मैंने देखा मंगवा था पाकिस्तानी डिलीवरी करके तो मेरी मतलब 900 800 बच जाते। देखो अली बाबा है ना, पर्सनल यूज के लिए नहीं करो, तुमने गलत जी समझा सही है, देखो तुम मेरे छोटे भाई की तरह, मैं तुम्हें बिल्कुल सही गाइडेंस दूंगा ठीक है, मैं तुम्हें बेइज्जत भी नहीं करूँगा, तुम्हें सही बताऊंगा बात ठीक है, मेरा काम है तो सही रास्ते लाना, तुमने गलत सोचा ठीक है, तुमने तुमने उसे गलत चीज़ ऑब्जर्व की थी है, तुमने कहा यार मैंने ये चीज़ दरा से खरीदी और मुझे मिली 2500 की सही है, और वही अली बाबा में मिल रही थी 1100 की, तुमने कहा मैं भी अली बाबा से मंगवा देता, मैंने 900 रुपये बचा देता सही है, दैट्स व्हाट यू सैड, गलत, तुम्हें ऐसा नहीं करना ठीक है, तुम्हारी ये सोच होनी चाहिए थी यार ये बंदा कितना होशियार है, अलीबाबा से मंगवा के यहाँ बेच रहा है, मैं क्यों ना बेचूं, मैं भी अलीबाबा से मंगवा के यहाँ पे चीजें बेचूं, इसने टेबल बेचा है मैं कुर्सी बेच देता हूँ, ये तुम्हें सीख लेनी थी उससे, ये सीख है जो तुम्हें पीछे मार रही है, ये सीख है जो तुम्हें पीछे कर रही है, इस सीखो जी इसको इस जो सोच का जो पर्सपेक्टिव है ना कि जिस चीज को नजरिया होता है, सारा गेम है नजरिए का, अपना नजरिया सही करोगे ना तब तुम कर पाओगे चीजें, तब तुम कामयाबी हासिल कर पाओगे, कोई मसला नहीं, अभी तो लर्निंग पे हो, इतना कोई वो टेंशन की बात नहीं है, मैं कौन सा वो दूध का धुला था यार, मुझ में अकल ही नहीं था, तो टाइम बाय टाइम आप लोगों से सुनते हो, एब्जॉर्ब करते हो चीज़ें, अपने आप को ग्रो करते हो, लर्न करते हो, तो जब इतना लर्न कर जी लेते हो जब दूसरों को सिखाते हो तो फिक्र की बात नहीं है, पर समझे तो अब क्या बाय द वे करोगे। यार मैंने बहुत आपसे सीखा जैसे आपने अपनी नॉलेज शेयर की अपनी वीडियोस में मुझे बहुत एक अच्छी लगी क्योंकि जब आपका कोई अपने जानने वाला इतनी सारी उसको नॉलेज हो तो आपको उसको अप्रोच जरूर करना चाहिए। जैसे मैंने अभी तुम्हें अप्रोच किया तुमने मुझे इतनी नॉलेज दी और अभी मैं रिसर्च करूंगा बाय द वे बहुत सारी लगा हूँ अभी कुछ अपना पार्ट टाइम टाइम निकाल के कुछ ऐसा 2 घंटे निकालूँ ताकि मैं इसके बारे में रिसर्च जाऊँ क्योंकि अभी मेरा प्लान है प्लान भी है एक शौक भी है बाहर जाने का तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर जाने से पहले ये चीजें यहाँ से सीख लूँ क्योंकि मुझे पता है सारी उम्र मेरे को भी कोडिंग नहीं करनी मुझे भी अपने मतलब बिजनेस को अपने एक प्रोग्रामिंग फील्ड को एक बिजनेस में कन्वर्ट करना है कि सारी प्रोग्रामिंग उम्र कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करता है आपको भी पता होगा। करो, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम अच्छी चीज है, टेक का आईटी का जमाना है, आईटी की जॉब मिल सकती है तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ और बिजनेस करना अपना तो किसी किसी दूसरे को अपनी टीम बना दो, किसी एक बंदे को हायर कर दो प्रोग्रामिंग के लिए, जो जो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स करे सही है, उसको थोड़ा सा 20% 30% कट दे दो और अपने बिजनेस पे फोकस करो। नहीं मेरा मतलब ये नहीं प्रोग्राम से हटना मैं कह रहा हूँ अपने प्रोग्रामिंग को इस फील्ड को बिजनेस में कन्वर्ट करना हाँ जैसे कि सॉफ्टवेयर हाँ कंपनीज होती हैं बहुत सारे से लोग करते हैं बस और थोड़ी अमेजोन की नॉलेज भी बल्कि और आपसे बहुत सारी कैसे बिजनेस कराते हैं कैसे क्या कुछ करते हैं किस मार्केट कुछ में जाना चाहिए नहीं सही है, क्या
बस तुम्हें और कोई चाहिए, कोई शीट, कोई हेल्प वगैरह, मैसेज कर देना, कोई मसला नहीं है, मैं हर स्टेप पे हेल्प तुम्हारे कोई साथ नहीं हूँ। चाहिए, बस आप है ना ऐसे रिलेटेड वीडियो मतलब अमेजोन से रिलेटेड वगैरह यूट्यूब पे छोड़ते जाएं, ताकि हमको क्या सबको नॉलेज मिलने के मिले, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है, वैसे मैं बात करूँ अपनी हिंदी कम्युनिटी, वो मोस्टली बिजनेस करती है, आपके रिलेटिव मेरे रिलेटिव, आप जैसा बंदा है कि हमारी कम्युनिटी का कोई इस चीज में आगे बढ़ेगा तो 100 लोग और भी बढ़ेंगे। ये बात है भाई, मैं बता दूँ, ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने इसको नहीं बोला ये सारी चीज़ें बोलने के लिए, खुद बोल रहा है, मैं अभी से बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें नहीं बोला नहीं बाय द वे नहीं। मैं ये सारी तुम्हारी कोई की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक, एक, एक अपनी कम्युनिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप बढ़ोगे तो भाई आपके पीछे 4 बंदे और भी बढ़ जाएंगे, भाई सही बात, पवन की वजह से हम बढ़े, अगर 4 और बढ़ गए 8 और भी बढ़ जाएंगे, देखो यही तो कर मोटिव है, भला तो होगा भला। सही, देखो यही तो मोटिव है, मैं चाहता तो सारी इन्फॉर्मेशन खुद के पास रखता, मैं बोलता मैं क्यों किसी को बताऊं, क्यों किसी का फायदा हो। देखो यही जो गंदी सोचते हैं हमें पीछे कर देती है, हम चाहते हैं कि साला और कोई बड़े नहीं, बस हम कामयाबी लें, बाकी सब भाड़ में जाएं। उन लोगों से मैं बहुत ही अगेंस्ट हूँ, नफरत है उन लोगों से जो ऐसी सोच रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक मतलब एक मतलब अमेजोन के बारे में, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, कई और भी बिजनेस करते हैं लोग, जो बिजनेस करते हैं ना वो शेयर नहीं करते यूट्यूब पे, हम किससे करें, कहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, जैसे आपने अभी 2-3 वीडियो में बताया। मैं चाहता हूँ कि आप एक सीरियल स्टार्ट करें अमेजोन पे, कि बहुत ऐसे मतलब रियल सीरियस आप जो भी शेयर करें वो ऑनेस्ट है, सारा सारा फेस टू फेस दिखा रहे हैं। जैसे आपने एक वीडियो में अपनी प्रॉफिट भी दिखाया था, एक वीडियो में शायद अपना कि मैं इसे यहाँ से डील कर रहा हूँ, यहाँ पर सेल कर रहा हूँ ड्रॉपशिपिंग। मैं कहता हूँ आप एक ऐसी सीरियल स्टार्ट करें अमेजोन पे, इससे मेरे को और बहुत सारे बच्चों को, जिसके जो आपको मैसेज करते हैं पवन भाई हमें भी सिखाओ हमें भी सिखाओ, मैं कह रहा हूँ उस पर आप ऐसे एक सीरियल बनाओ जिससे सबके डाउट ही क्लियर हो जाए। बनाओ यार, मैं मैं आपको ऐसे रिक्वेस्ट ये करता बैक हूँ बैक ऑफ द माइंड में है, अभी अपने दो ब्रांड बना रहा हूँ, बहुत चीज़ें चल जी। रही हैं, अमेजोन होलसेल कर रहा हूँ, आगे जाके ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जो जो हर बच्चों के लिए फ्री में होगी, एवरीवन, मतलब फ्री फॉर एवरीवन, टोटल फ्री, 100% फ्री, किसी चीज़ का रुपया भी नहीं लूंगा, सबको मैं मुफ्त में एजुकेशन दूंगा ताकि वो सीख पाए। बाय द वे ऐसे बहुत सारे नीड है हमारे पाकिस्तान में मोस्टली, अगर देखा जाए तो गली गली में ट्रेनिंग खुल गई है अमेजोन के, लेकिन वो कितने चार्जेस करें भाई, 30,000 40,000 एक मंथ के। आप धंधा गली बना गली में लो देखोगे बस, तो अमेजोन ट्रेनिंग के सेंटर खुल गए हैं, हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद, बहुत सारे बड़े भी हैं जो मोस्टली डॉलर्स में चार्ज करते इन हैं। सबको मैं बम्बू दूंगा, फिक्र नहीं करो। हाँ बाय द वे हम उम्मीद करते हैं और हमारी दुआएं वाहेगुरु से कि आप जरूर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, ऐसा लग रहा है आप जरूर बनाओगे भाई। थैंक यू यार, थैंक यू, मैं तो गरीब बंदा, बट ठीक है, थैंक यू, चल सही है, अब मैं एंड कर रहा हूँ फिर रिकॉर्डिंग।